बच्चों आप सभी को एनसीईआरटी का मैं सॉल्यूशन न्यूमेरिकल के जितने पोर्शन है वो एक एक न्यूमेरिकल एक एक वीडियो के थ्रू छोड़ क्लिप रहेगा आप तो पहुंचा दूंगा। आप लोग उसको देख के एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ सॉल्यूशन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, सारी कहानियां लिखी हुई हैं। तो उससे पहले आप देखो क्या लिखिए। आप लिखिए सर 68% नाइट्रिक एसिड, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 68% HNO3 इन सॉल्यूशन का मतलब हो गया, इन सॉल्यूशन का मतलब हो गया टोटल 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक को सॉल्यूशन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए और क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी पर क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी फॉर्मूला तुरंत बगल में लिख लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चा लोग होता है W2 × 1000 अपॉन में M2 × V। M2 × V, W2 क्या होता है सोल्यूट का वेट, M2 क्या होता है सोल्यूट का मोलर मास, V क्या होता है सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है लीटर में। नहीं है तो 1000 यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो ML दिख रहा है तो 1000 यूज करेंगे। ओके तो डेंसिटी बराबर होता है मास, मास कितना भैया 100 ग्राम, तो ये सोल्यूशन मास 100। वॉल्यूम नहीं दिया है चलिए कोई बात नहीं, डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 100। डेंसिटी कितना है 1.504 आ जाएगा, ML में आएगा ना, तो ग्राम से ग्राम कट गया तो आंसर ML में आएगा। या आपको यहाँ से वॉल्यूम मिल गया और या आपको यहाँ से मिल गया है W2, क्या दिया है W2, मैं W2 मिल गया, मेरे पास W2 है, मेरे पास वॉल्यूम है। HNO3 का मोलर मास निकाल लो बेटा जी। M2 कितना HNO3 का, H का बेटा मास होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 थ्री टाइम्स है कितना हो जाएगा 48। टोटल जोड़ लो भैया 8 4 12 1 13 गया, यहाँ 4 1 5 1 6 63 ग्राम पर मोल आ गया। चलो तो अब किस चीज़ का बेटा यार, M2 भी है तुम्हारे पास, W2 भी तुम्हारे पास, V भी तुम्हारे पास है, पुट करो। चलो तो पुट कर देते हैं भैया, पुट करेंगे बेटा जी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पुट करने के बाद यहाँ से आ जाएगा ये M बराबर मोलैरिटी बराबर W2 रखो, कहाँ है W2, 68 × 1000 अपॉन में M2 कितना आया था 63 × वॉल्यूम कितना आया 100, और ये क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए कितना 1.504। बाकी सब काटने पीटने के बाद आप देखेंगे आंसर लगभग आपका 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 16 पॉइंट समथिंग आंसर है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है।